अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली रियलमी C1 2019 एडिशन मेरे पास आ चुका है और यहाँ पर देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से। अभी हम फटाफट इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जो बॉक्स है ना, ओपन करते ही अपना रियलमी C1 डिवाइस मिल जाता है और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है और कवर को भी मैंने अभी यहाँ पर हटा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए रियलमी C1 और यहाँ पर कुछ पेपर दे के भेजा है अनबॉक्सिंग दिस, जो फ्लिपकार्ट दिया है। ये गूगल डियो का एक एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है पेपर और ये है फाइनली अपना रियलमी C1। रियलमी C1 का जो बॉक्स है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है और सीधे चलते हैं अभी हम स्पेक्स की तरफ। और इसमें आपको मिल जाता है एक 6.2 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, कुछ नॉच डिस्प्ले हम बोल सकते हैं। और पीछे आपको मिल जाता है एक 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फोकस कैमरा मिल जाता है। और इस फ़ोन में आपको 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसका जो प्राइस है, प्राइस के साथ थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, जो कि मुझे 16 GB का बॉक्स मिला है। और जाने दीजिए, इसी को मैंने अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है, वो जो कलर है नेवी ब्लू, और साथ ही साथ यहाँ पर IMEI और नंबर वगैरह है और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिल जाता है। और चलिए फटाफट इसका अभी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही इसमें और एक बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पर देखिए रियलमी लिखा हुआ है और साथ ही साथ कुछ रियलमी के इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। और बॉक्स को अभी हम निकालते हैं तो बॉक्स में निकालते ही हमें मिल जाता है और TPU केस कवर। तो ये देखिए TPU केस कवर, TPU केस की जो क्वालिटी है ना, वो बिल्कुल अच्छी है, ऐसा नहीं बोलता कि बेकार, काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो यूजर गाइड वगैरह। और अभी हम इसको साइड में रखते हैं और बॉक्स में और क्या मिल जाता है हमें देख लेते हैं। और बॉक्स में एक सिम इजेक्शन टूल भी मिल जाता है और ये है हमारा देखिए रियलमी C1। एक बार हम फ़ोन को साइड में रख लेते हैं और क्या कुछ मिल जाता है देख लेते हैं। तो बॉक्स में और ज़्यादा कुछ नहीं, तो यहाँ पर मिलता है एक चार्जिंग एडाप्टर जिसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पियर। और यहाँ पर देखिए मेड इन चाइना भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अगर मैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की दिया तो अच्छा होता था, और ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ एक USB 2 MicroSB केबल मिल जाती है और कुछ इस तरह से आप देख सकते हो जो MicroSB केबल मिल जाता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हम सीधे चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो ये है रियलमी C1, तो देखिए कुछ इस तरह से। तो ये देखिए फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में, तो कलर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक स्टिकर है, स्टिकर को भी हम हटा लेते हैं एक बार के लिए। तो ये देखिए रियलमी C1 नेवी ब्लू में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये डिवाइस और कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। अभी हम इसका फर्स्ट बूट करते हैं और साथ ही साथ इसका जो ओवरव्यू भी हम देने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको फर्स्ट बूट यहाँ पर कर चुका हूँ। तो अभी चलते हैं फ़ोन के ओवरव्यू के तरफ। यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में एक पावर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है कुछ इस तरह से, और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। और राइट के तरफ आपको मिल जाता है एक सिम ट्रे और साथ ही साथ जो वॉल्यूम अप और डाउन बटन मिल जाता है। और इस फ़ोन में आप 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड एक ही साथ लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे देखिए यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक और 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। और सामने देखिए एक नॉच के साथ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता तो है। तो फ़ोन को एक बार सेट करता हूँ और सेट करके आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़ोन को मैंने पूरी तरीके से सेट कर चुका हूँ और ये देखिए फ़ोन कुछ इस तरह से हमें UI देखने को मिल जाता है। तो एक बार मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ इसका और एक थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो ये देखिए फ़ोन को मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से सेट कर चुका हूँ और सीधे चलते हैं अभी सेटिंग्स में हम। तो ये देखिए सेटिंग्स में जाने के बाद अभी हम चलते हैं अबाउट फ़ोन में। तो ये देखिए अबाउट फ़ोन, उसके बाद यहाँ पर देखिए डिवाइस का जो नेम है रियलमी C1, उसके बाद मॉडल नंबर है, उसके बाद कलर OS जो है 5.1 है और एंड्रॉयड का जो वर्शन है वो है 8.1 ओरियो। और आई होप कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड पाई भी जल्द ही देखने को लिए मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 GB की रैम है और इसमें 2 GB रैम में से कितनी GB अवेलेबल मिलता है वो मुझे पता नहीं है।
और यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्टोरेज देखिए 16 GB में से आपको 7.14 GB आपको अवेलेबल मिल जाती है फर्स्ट बूट में। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो है सितंबर 5 की सिक्योरिटी पैच मिल जाती है। तो अभी हम सीधे चलते हैं कैमरा के तरफ। तो पीछे आपको 12+2 MP का ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है और एक सिंगल LED फ्लैश भी मिल जाती है। और कुछ इस तरह से इसका जो कैमरा का इंटरफेस दिख सकता है। और यहाँ पर देखिए एक मैंने सेल्फी लेने की कोशिश करता हूँ, आपको 5 MP की जो सेल्फी कैमरा मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सेल्फी ले लिया और सेल्फी मैंने ले लिया जो फर्स्ट इम्प्रेशन में तो मुझे अच्छा लग रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन में तो अच्छा लग रहा है, और भी मैं इसे चेक करना पड़ेगा, चेक तो नहीं करूँगा, हालांकि मैंने इसे रिटर्न करना है क्योंकि ये दूसरा डिवाइस मुझे मिला है। और पीछे का भी एक बार मैं चेक करके बताता हूँ कि जो कैमरा है कैसा है। ये 13+2 MP का एक सेल्फी मैंने यहाँ पर ले लिया पीछे से, यहाँ पर देखिए। और डिटेलिंग जो है काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है फर्स्ट इम्प्रेशन में तो कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ और एक मैंने यहाँ पर पिक लेके दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से, देखिए। और ये मैंने फ़ोटो यहाँ पर क्लिक किया और देखिए, तो डिटेलिंग जो है काफ़ी अच्छी लग रहा है मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में तो अच्छी लग रही है। और देखना पड़ेगा और कैसा है कुछ नहीं। और साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको एक 2x जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ्यूचर भी आप हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए 1x है और इसी देखिए 2x और 1x और 2x। तो कुछ इस तरह से इस कैमरा से हम अच्छे अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हैं। अच्छे अच्छे का मतलब ये है कि बजट फ़ोन में काफ़ी अच्छा एक कैमरा मैं फ़ोन बोल सकता हूँ। इस फ़ोन में आपको एक कमी भी देखने को मिल जाती है, इस फ़ोन में किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर नहीं मिलता है और फेस अनलॉक मिलता है इसके अंदर। और फेस अनलॉक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट करके रखा हूँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसका जो फेस अनलॉक का जो समय है ना वो 1 सेकंड से भी कम के समय में आपको आपका जो फ़ोन है अनलॉक होता है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टैप करते ही फ़ोन को अनलॉक हो रहा है और बहुत ही अच्छा एक फेस अनलॉक फीचर यहाँ पर रियलमी ने दिया है। और साथ ही साथ आपको और एक बार मैंने बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखिए जो फेस अनलॉक जो है इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से रियलमी ने दिया है। तो फेस अनलॉक काफ़ी बढ़िया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो ले आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।